हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। यहां पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है एक स्क्वायरिश फॉर्म में नजर आ रही है, कुछ इस तरह की शेप इनकी हथेली की, जो यहाँ पर इंडिकेट करती है काफी हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को देखा जाए तो फिंगर्स काफी थिक हैं, जो अच्छी एनर्जी और स्टैमिना शो कर रही हैं। उसके साथ साथ फिंगर्स के बीच में यहाँ पर कुछ गैप्स नजर आ रहे हैं, आपको दिखाना चाहूंगा। इस तरह के गैप्स का होना इंडिकेट करता है कि व्यक्ति काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट नेचर का रहेगा, और थोड़ा सा खर्चीला स्वभाव भी ऐसे व्यक्ति का रहता है जिनकी फिंगर्स के बीच में इस तरह से गैप नजर आए और उसमें से रोशनी आर पार नजर आती हो। आगे आप देख सकते हैं इनकी फिंगर्स की लंबाई को, तो यहाँ पर इनकी जो सूर्य फिंगर है इसकी लंबाई ज्यादा है। यह फिंगर जितनी अच्छी लेंथ में हो उतना ज्यादा अच्छा सोशल सर्कल व्यक्ति का रहता है, और इवन काफी अच्छी क्रिएटिविटी को इंडिकेट करती है सूर्य फिंगर। तो यहाँ पर क्रिएटिविटी भी इनके भीतर काफी अच्छी रहने वाली है। और अगर इनकी बृहस्पति फिंगर को देखा जाए तो थोड़ी सी शॉर्ट है बृहस्पति फिंगर, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट और थिक नजर आ रही है, जिसकी वजह से काफी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज इनके भीतर रहेंगी, और साथ ही साथ काफी नॉलेजेबल पर्सनैलिटी रहती है व्यक्ति की जिनकी बृहस्पति फिंगर लंबाई में हो और बृहस्पति माउंट भी उभरा हुआ नजर आए। आगे देखते हैं इनकी शनि फिंगर को, यह जो मध्यमा उंगली है यह शनि फिंगर कहलाती है। अगर यह फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट हो, अच्छी लेंथ में हो और साथ ही साथ काफी अच्छी थिकनेस भी हो, तो यह इंडिकेट करती है कि ऐसा व्यक्ति काफी हार्डवर्किंग नेचर का होता है और अपनी इसी क्वालिटी की वजह से लाइफ में काफी अच्छी प्रोग्रेस भी पा लेता है। और यहाँ पर चेक करते हैं इनकी मर्करी फिंगर को, मर्करी फिंगर यहाँ पर थोड़ी सी टिल्टेड नजर आ रही है और लंबाई में सूर्य फिंगर के फर्स्ट फैलेंज के लगभग करीब पहुंच रही है, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल्स काफी अच्छे रहते हैं, और टिल्टेड होने की वजह से थोड़ी सी वीकनेस आती है, थोड़ी सी शाई नेचर होने की संभावना रहेगी, लेकिन ओवरऑल फिंगर्स की लेंथ, इस फिंगर की लेंथ अच्छी है और यह जो माउंट है इनका मर्करी वो भी उभरा हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स और बिजनेस स्किल्स ऐसे व्यक्ति के काफी स्ट्रांग रहते हैं। इस सभी चीजों के अलावा अगर हम फिंगर्स के ऊपर लाइंस को चेक करें तो आपको नजर आएगा काफी सारी सीधी खड़ी रेखाएं इनकी सभी फैलेंजेस के ऊपर नजर आ रही हैं, कुछ इस तरह की। ऐसी रेखाओं का होना दर्शाता है कि व्यक्ति काफी मिलनसार नेचर का रहेगा, और ऐसे व्यक्ति जिनके सभी फैलेंजेस के ऊपर ऐसी रेखाएं हो काफी सलीके वाले होते हैं, काफी तहजीब अच्छी रहती है इनकी, और काफी मिलनसार प्रवृत्ति ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनकी फिंगर्स के ऊपर इस तरह की खड़ी रेखाएं मौजूद हों। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की लाइन बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं इनके लगभग सभी माउंट्स को, जिसमें शनि माउंट और इनका सूर्य माउंट और इवन मर्करी माउंट, इन तीनों को स्पेस काफी अच्छी मिल पा रही है। और बृहस्पति माउंट को अगर देखा जाए तो थोड़ी सी वीकनेस यहाँ पर नजर आ रही है, बृहस्पति माउंट उभरा हुआ है लेकिन थोड़ा सा लो सेट होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से फैमिली की तरफ से मिलने वाले सुखों में थोड़ी कमी आ सकती है। अदरवाइज नॉलेज यहाँ पर इनकी काफी अच्छी रहेगी, क्योंकि हमने इनकी बृहस्पति फिंगर की लेंथ को भी चेक किया, काफी अच्छी लेंथ में है, और साथ ही साथ यहाँ पर बुद्धाशाही का काफी अच्छा चिन्ह बन रहा है। बेशक यहाँ पर ये रेखाएं जुड़ नहीं रही आपस में, लेकिन फिर भी एक बहुत अच्छा इस तरह का बुद्धाशाही का चिन्ह यहाँ पर इनके अंगूठे के ऊपर बन रहा है। इस तरह के जो पॉजिटिव चिन्ह रहते हैं यह व्यक्ति को काफी अच्छी सिक्स सेंस देते हैं, और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति काफी रिलीजियस नेचर के होते हैं, काफी स्पिरिचुअल हो जाते हैं। जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती है स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी इनका झुकाव होता रहता है। चलिए आगे देखते हैं इनके शनि माउंट को, तो आप यहां पर देख सकते हैं इनका जो शनि माउंट है वो अंदर की तरफ दबता हुआ नजर आ रहा है। यह जो एरिया है अंदर की तरफ दबता हुआ, जो इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति को लाइफ में काफी मेहनत करनी पड़ती है, काफी हार्ड वर्क रहता है। और इवन अगर इनकी शनि रेखा को देखा जाए तो शनि रेखा लंबाई में नजर आ रही है, 36 के आसपास की एज में थोड़ी सी चेंजेस इस रेखा में नजर आ रही है। आप देख सकते हैं यहां तक यह रेखा बिल्कुल स्ट्रेट चंद्र माउंट से यह रेखा शुरू होती हुई, और यहां से थोड़ी सी चेंजेस इनकी इस रेखा में जो
लगभग 36 के आसपास किसी प्रोफेशनल चेंज को इंडिकेट करती हैं। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर यह रेखा कट रही है दो तीन जगहों से राहु रेखाओं की वजह से। जैसे यह एक रेखा है और उसके अलावा इस एरिया में आप देख सकते हैं यह रेखाएं क्रॉस कर रही हैं या टच कर रही हैं इनकी शनि रेखा को, तो यह अप्स एंड डाउन्स को इंडिकेट करती हैं। ऐसी रेखाएं जितनी ज्यादा हों उतना ज्यादा व्यक्ति को स्ट्रेस भी सहन करना पड़ता है लाइफ में। और यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो यह रेखाएं लगभग यहाँ पर 42 के आसपास की एज में, और यह जो रेखा नजर आ रही है आपको ऊपर की तरफ 50 के आसपास की एज में थोड़ा सा स्ट्रेस देती हुई नजर आ रही है। अदरवाइज इस रेखा का स्ट्रांग होकर शनि माउंट तक पहुंचना इंडिकेट करता है कि व्यक्ति की जो लाइफ है वो कंफर्टेबल रहेगी, और बीच में कुछ अप्स एंड डाउन्स का व्यक्ति को सामना करना पड़ सकता है। आगे देख सकते हैं आप इनके सूर्य माउंट को। सूर्य माउंट के ऊपर यहाँ पर खड़ी लाइन मौजूद है कुछ इस तरह से, और बहुत ज्यादा लंबी सूर्य रेखा नहीं है। सूर्य रेखा अगर कुछ इस तरह से मौजूद हो हाथ में, जो इस तरह से लंबाई में ऊपर की तरफ जाती हुई कोई रेखा मौजूद हो, तभी इसका ज्यादा बेनिफिट मिल पाता है। इस तरह की रेखा व्यक्ति को काफी अच्छा फेम दिलवाती है लाइफ में। और यहाँ पर जो रेखा है वो यहाँ से स्ट्रेंथ गेन कर रही है लगभग ओल्ड एज में, 50+ की एज में, तो 50+ की एज के बाद ही कुछ अच्छी रिकॉग्निशन मिलने की संभावना है। अदरवाइज यहाँ पर सूर्य माउंट दबता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें यश मिलने में इन्हें थोड़ी सी दिक्कतें रह सकती हैं। मरकरी की बात की जाए तो मरकरी माउंट यहाँ पर उभरा हुआ है। मरकरी फिंगर थोड़ी सी टिल्टेड है, लेकिन मरकरी माउंट का उभरा हुआ होना सभी कमियों को दूर करता है, और ऐसे व्यक्ति का जो बिजनेस एक्यूमेन है, बिजनेस करने की क्षमता है, बहुत स्ट्रांग रहती है। और उभरा हुआ मरकरी होने की वजह से ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ में काफी तरक्की कर पाते हैं, इवन बिजनेस के माध्यम से भी तरक्की की संभावना रहती है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं एक मरकरी लाइन जो लगभग यहाँ तक पहुंचती हुई, बेशक बहुत ज्यादा डीप कट लाइन नहीं है, लेकिन मरकरी लाइन का होना अपने आप में काफी अच्छा योग माना जाता है। और यही मरकरी लाइन यहाँ पर मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन कर रही है, आपको दिखाना चाहूंगा। यह जो रेखा है यहां से ऊपर की तरफ चलती हुई, इसको मरकरी लाइन कहते हैं, और यह जो लाइन है इसको कहा जाता है भाग्य रेखा, और यह जो लाइन है इसको कहा जाता है माइंड लाइन। जब ये तीनों रेखाएं मिलकर एक इस तरह का ट्रायंगल बनाती हैं जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, तो यह ट्रायंगल कहलाता है मनी ट्रायंगल। और जिनके भी हाथ पर ऐसा कंप्लीट ट्रायंगल बनता है, ऐसे व्यक्ति धन के मामले में काफी लकी रहते हैं, और धीरे धीरे अपने पास काफी अच्छा धन इकट्ठा कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस रेखा का होना और इस ट्रायंगल का बनना बहुत अच्छा चिन्ह है। उसी के साथ साथ आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपको क्लियरली एक फिश का साइन यहाँ पर बनता नजर आएगा। इस तरह का फिश का साइन अगर किसी व्यक्ति के हाथ में बनता है तो यह भी काफी लकी माना जाता है। और जब यह फिश का साइन बिल्कुल लाइन के साथ साथ जुड़ा हो, जैसे यह इनकी भाग्य रेखा है, इसके साथ अगर फिश का साइन जुड़ा हो तो यह और भी अच्छे रिजल्ट देता है। ऐसे व्यक्ति को फॉरेन ट्रेवल करने के लाइफ में मौके मिलते हैं, अचानक से धन लाभ होने की संभावना बढ़ती है जब इस तरह का बड़ा फिश का साइन राहु या केतु एरिया के ऊपर बनता हो नजर आए। और यह फिश का साइन व्यक्ति को मान सम्मान भी दिलवाता है, और इसके यहाँ पर होना व्यक्ति को सडन वेल्थ गेन्स दे सकता है। तो इस तरह का चिन्ह होना हाथ में काफी भाग्यशाली माना जाता है। आगे आप देख सकते हैं इनकी हार्ट लाइन को। हार्ट लाइन यहाँ पर पूरी तरह से एक कर्व नजर आ रही है। एक इस तरह से जब भी हार्ट की लाइन में कर्व बनता है, यह रेखा इंडिकेट करती है कि ऐसे व्यक्ति काफी ज्यादा इमोशनल हो सकते हैं, और साथ ही साथ इस तरह की रेखा वाले व्यक्ति काफी ऑनेस्ट रहते हैं, काफी लॉयल होते हैं, और केयरिंग नेचर रहती है ऐसे व्यक्ति की, दूसरों की केयर करने वाली नेचर रहती है। और हार्ट की लाइन यहाँ पर थोड़ी सी वीक पड़ रही है। आप देख सकते हैं इस तरह की रेखाएं नीचे की तरफ चलती उस लाइन से, यह रेखाएं इस हार्ट की लाइन को कमजोर करती हैं। और इस एरिया में आप देख सकते हैं जहां पर मैंने सर्कल किया है, एक आइलैंड का चिन्ह बन रहा है, कुछ इस तरह का चिन्ह जिसको हम आइलैंड का चिन्ह कहते हैं। यह चिन्ह हार्ट की लाइन पे बन रहा है जो लगभग 60s के आसपास की एज में थोड़ी सी परेशानी इनको दे सकता है। इस तरह का आइलैंड का चिन्ह होना अच्छा नहीं माना जाता। यह जिस भी रेखा के ऊपर बनता है तो उस बॉडी पार्ट से रिलेटेड हमारी लाइफ में कुछ दिक्कतें आने की संभावना रहती है। और हार्ट लाइन के ऊपर इसका बनना इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति को 60s के अराउंड एज में चलकर हार्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इवन ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है। और यह जो रेखाएं नीचे की तरफ चल रही हैं, ऐसी रेखाओं का होना व्यक्ति को इमोशनल बनाता है, इमोशनल सेटबैक्स लाइफ में मिलते हैं, और उन्हीं लोगों से ऐसे व्यक्ति को धोखा मिलता है जिनके ऊपर ऐसा व्यक्ति ज्यादा ट्रस्ट करता है। और आगे देख सकते हैं आप इनकी लाइन ऑफ माइंड को, यानी कि माइंड लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट चल रही है। इस तरह की सीधी माइंड की लाइन का होना
दर्शाता है कि व्यक्ति की मेमोरी काफी शार्प रहेगी, ऐसा व्यक्ति पुरानी से पुरानी बातों को याद रखने की क्षमता रखता है। और इवन अगर यह रेखा झुकी हुई हो तब कुछ दिक्कतें होती हैं, लेकिन जब यह रेखा स्ट्रेट हो तो ऐसे व्यक्ति का माइंड स्टेबलाइज रहता है। और यहाँ पर इस रेखा को काटने वाली रेखाओं का होना अच्छा नहीं माना जाता। यह रेखाएं जो क्रॉस करती हैं या इसको टच करती हैं, इन्हें हम राहु रेखाएं कहते हैं। इस तरह की रेखाएं होने से व्यक्ति को लाइफ में इमोशनल सेटबैक्स या कुछ ना कुछ मानसिक तनाव व्यक्ति को मिलने की संभावना रह जाती है। और अगर हम इनकी लाइन की बात करें, जो इनकी लाइफ लाइन है, यहाँ पर काफी अच्छी लाइफ लाइन नजर आ रही है। आप देख सकते हैं लाइफ लाइन लगभग इस एरिया तक पहुंची है, जो 80 के आसपास की एज को शो कर रही है। लेकिन यह रेखाएं, राहु रेखाएं यहाँ पर भी कुछ ना कुछ प्रेशर बनाती हुई, जितनी ज्यादा राहु रेखाएं लाइफ लाइन को क्रॉस करती हैं या इनको टच करती हैं उतनी ज्यादा दिक्कतें। अगर देख रहे हैं तो 40 के आसपास की एज तक यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं, उसके बाद की अगर एज देखें तो काफी अच्छी नजर आ रही है। और उसके साथ साथ अपवर्ड जाने वाली रेखाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। 40 के अराउंड एज के बाद से यहाँ पर काफी सारी ऐसी रेखाएं जो ऊपर की तरफ चल रही हैं, ऐसी रेखाओं का होना प्रोग्रेस दिलवाता है। ऐसे व्यक्ति की लाइफ में काफी अच्छी प्रोग्रेस रहती है, जिनके हाथ पर इस तरह की प्रोग्रेस लाइंस लाइफ लाइन से निकलकर ऊपर की तरफ बढ़े। आगे आप देख सकते हैं इनकी लाइन ऑफ मार्स को, काफी लंबी मार्स लाइन है यहाँ पर। बेशक यहाँ पर स्ट्रेस लाइंस मौजूद हैं, लेकिन अंदर मंगल रेखा का होना बहुत अच्छा माना जाता है। यह रेखा प्रोटेक्ट करती है, प्रॉब्लम से बचाती है और हेल्थ इश्यूज की संभावना को भी कम करती है। और इस तरह की मंगल रेखा जिनके हाथ पर मौजूद होती है, ऐसे व्यक्ति अपने लाइफ में काफी अच्छी प्रॉपर्टी भी बना लेते हैं। आगे आप देख सकते हैं इनके शुक्र माउंट को, शुक्र माउंट यहाँ पर उभरा हुआ है, जिस वजह से थोड़ा खर्चीला स्वभाव रहेगा व्यक्ति का। लेकिन यहाँ पर कुछ हल्की रेखाएं भी मौजूद हैं, आड़ी रेखाएं इस माउंट के ऊपर होना ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं जितनी ज्यादा होती हैं उतनी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स मैरिड लाइफ में या फैमिली की तरफ से दिक्कतें व्यक्ति को लाइफ में आती हैं, तो कुछ वरीज की यहाँ पर संभावना रहेगी। और अगर देखा जाए इनके चंद्र माउंट को, तो चंद्र माउंट के ऊपर कोई भी मेजर प्रॉब्लम मुझे नजर नहीं आ रही। चंद्र माउंट इनका बहुत अच्छा है और माइंड लाइन स्टेबल है, जिस वजह से किसी भी तरह की दिक्कत लाइफ में आती है उसको यह पूरी तरह से मैनेज कर पाने में सक्षम रहेंगे। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।